अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा विजिट था कैमेज का। कैमेज ये सेंटर है एक एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, किसी भी मेंटल बीमारी से या कुछ भी ऐसा, तो उनके लिए ये एक यहाँ का कनाडा का जो टॉप में जो काउंट होता है कैमेज, वो सेंटर है। ये एडिक्शन और मेंटल जो सिकनेस हैं उनमें कनाडा का जो टॉप का इदारा है, यहाँ बहुत जो काबिल डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, साइकाट्रिस्ट और बहुत से शोबों में बहुत से लोग, थेरापिस्ट, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जहनी बीमारी जो होती है वो भी जिस्मानी बीमारी की तरह बीमारी ही काउंट होती है। तो जैसे हमारे लोग तो अक्सर वहमों में पड़ जाते हैं कि जिन पड़ गया या उसका कुछ ऐसा मसला हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। जहनी बीमारी जो ज़्यादातर यहाँ पे पाई जाती है वो सबसे बड़ी डिप्रेशन है, और डिप्रेशन इसकी कई दफ़ा तो बहुत सी वजूहत होती हैं और कई दफ़ा इसकी बज़ाहिर सामने नज़र आने वाली कोई भी वजह नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और ये बीमारी जो है ये किसी मखसूस उम्र या के किसी हिस्से में जाके नहीं होती, ये बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। अगर कोई जिन की किसी भी बीमारी से जो है वो उसे गुजर रहा हो, तो पहले यहाँ पे ये तरीका है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो उन्हें रेफ़र करते हैं यहाँ पे कैमेज में। तो यहाँ बेहतरीन हद तक जो है वो उनका जो है वो इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे इस बीमारी से जितनी भी जहनी बीमारियाँ उनसे मरीजों को, उन जो उनमें मुबतला है उनको उनसे बाहर लाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पूरी एक टीम बाकायदा हर एक जो होता है मरीज उसके साथ काम करती है। डिप्रेशन जो है ये आपको किसी भी वजह से किसी भी जगह पे हो सकती है, ये आपको घर से भी हो सकती है, आपको बाहर से भी हो सकती है, आपको वर्क प्लेस से हो सकती है, स्कूल से हो सकती है, इसके लिए कोई मखसूस जगह नहीं है। तो इस तरह ये इदारा जो है उन लोगों की बहुत मदद करता है उनको वापस नॉर्मल जिंदगी में लाने के लिए। वो जिस हद तक वो मरीजों को डील कर सकते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि अगर डिप्रेशन के मरीजों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है। इस तस्वीर में जैसे ये लोग शो करते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हैं, इश्तहार वगैरह देते हैं ये तस्वीर में, क्योंकि हर एक जो इंसान होता है वो उसके इमोशंस भी होते हैं, वो गुस्सा भी होता है, वो खुश भी होता है, वो सैड भी होता है, वो डिप्रेस भी होता है, लेकिन ये सब कुछ जो है वक्ती होता है, आता जाता रहता है। और ये सब इमोशंस जो है वो शो करना, आना जाना, ये एक नॉर्मल इंसान की पहचान है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में गिर जाते हैं, जैसे कोई इंसान सैड फील करता है या किसी वजह से नेगेटिव सोच में आ जाता है तो वो पक्का उसी पे जाके रुक जाता है, तो इससे भी डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है वो फिर आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है। कभी वो लोग समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते, और वो उसके मदद की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह ये इदारे जो हैं ये भी हर तरीके से मदद करते हैं, चाहे वो थेरापी के ज़रिए हो, काउंसलिंग के ज़रिए हो, या मेडिसिन के ज़रिए हो। इसमें जो है वो बहुत सी थेरापीज, बहुत सी इलाज जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में उस मरीज़ को दिए जाते हैं, और उसको एक्सरसाइज से, थेरापी से, घर की सपोर्ट से, डॉक्टरों की सपोर्ट से, वर्क प्लेस पे, हर जगह से रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ के साथ तो मीटिंग करते हैं या फिर, लेकिन अलग से उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मीटिंग करते हैं, ताकि वो अच्छे से समझ सकें कि इस सारी परेशानी की या इस बीमारी की क्या वजह बनी है। इस मर्ज़ को समझना, जहनी जितने भी जहनी किस्म के मर्ज़ होते हैं उनको समझना कोई आसान काम नहीं होता है, और डॉक्टर भी बहुत जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। इसको इसमें उनको जो हेल्प करते हैं उनमें सालों लग जाती हैं। बार बार हर 4 वीक के बाद वो जो है वो एक सवालनामा देते हैं मरीज़ को, जो कि वो उसके जवाब देता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मरीज़ की जहनी सेहत जो है वो किस डिगर पे जा रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है या उस या कुछ ख्यालात उसके ख़तरनाक तो नहीं है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको बताया जाता है कि लाइफ बहुत अच्छी है
और वो जिस मुश्किल में, जिस डिप्रेशन में आया होता है, उसको उससे बाहर निकालने में पूरी मदद की जाती है। तो इसके लिए ये कैमिच बहुत बेहतरीन जगह है। ये बड़ों के अलावा बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जो है ये यहाँ पे डिप्रेशन देखा गया है। और ये इदारा, इनके पास, इनके 6 5 6 बिल्डिंग्स हैं जो बच्चों के लिए अलायदा से है। बच्चों को भी बाकायदा ये काउंसलिंग करते हैं, ऐसे बच्चों को जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं किसी वजह से। तो इनकी वो स्कूल में भी उनकी हेल्प करते हैं, उनके टीचर्स से मिलते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं और सब कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे मनफी जो सोच पर छोड़ के मुस्बत सोच पे आ जाएं। मैं बहुत सालों से इस इदारे में जा रही हूँ, इसके बहुत से शोबे मैंने देखे हैं और मैं कहती हूँ कि ये बेहतरीन है हर उस इंसान के लिए जो किसी भी जहनी जो है वो बीमारी से लड़ रहा है। तो ये इदारा उसकी बहुत मदद कर रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का सारा स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा तामन करता है और वो ज़िंदगी के हर शोबे में फिर उस इंसान को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, ऐसे जहनी भी बीमारी जो है वो एक बीमारी ही होती है। इसमें कोई जीन, भूत, प्रेत कुछ भी नहीं होता, तो इसका इलाज भी मुमकिन है और ऐसे लोगों को इलाज मुहैया किया जाना चाहिए। तो जनाब, ये तो मेरी तो थी यहाँ पे अपॉइंटमेंट और आपको मैंने दे दिया मुफ्त का लेक्चर। तो उम्मीद है कि अगर कुछ आपके गिर्द भी ऐसे लोग हों जो डिप्रेशन से सर्वाइव कर रहे हों या उससे सफ़र कर रहे हों, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं अपने अच्छे रवैये से, और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में आप अपने मुस्बत रवैये से उनकी मदद कर सकती हैं। और दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में किसी और नए मौजू पे। अल्लाह हाफिज़।